हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज आई हूँ मैं एक रेसिपी के साथ जो कि है चने दाल की पूरी। फ्रेंड्स, चना दाल की पूरी जो है फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है आप ये देख लीजिए। चना दाल 1 कप है, नमक है, करी पत्ता है, तेज पत्ता है, जीरा है, कटे हुए लहसुन, कद्दूकस के हुए अदरक, हल्दी और ये हींग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चना दाल को जो है वो नाइट सोक कर, तो हम चना दाल जो है फ्रेंड्स इसे हम 2-4 घंटे के लिए भी भिगो देंगे गर्म पानी से, तभी ये हो जाएगा। तो अब मैं इसे सभी भिगो करके रख दूंगी 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर हम इसे कुकर पर डाल के इसके सीटी लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2-3 घंटे के लिए इसे भिगो दिया था, मतलब दोपहर में मैंने, मुझे शाम को बनाना था तो मैंने दोपहर में चने को भिगो दिया था। तो अब देखिए कितने अच्छे से ये खिल गया है। अब इसे मैं जा रही हूँ कुकर में प्रेशर कुक करने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कुकर को हीट करना है, और उसमें ये जो बाकी चीज़ें हैं इन्हें हम उसमें ऐड करेंगे। ये मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, कुकर हमारा जो है वो गर्म हो गया है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स मैं अपनी बाकी चीज़ें जैसे कि ये लहसुन डाल देती हूँ, और फिर जीरा, कद्दूकस किए हुए अदरक, इन सबसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही यम्मी फ्रेंड्स। आप इसमें तेज पत्ता भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये सब एक साथ चला जाएगा तो फ्राई होगा, और करी पत्ता भी साथ में मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेंगे ताकि गोल्डन हो जाए, लहसुन थोड़े गोल्डन हो जाए। तो उसके बाद फिर हम सबसे एंड में जो है हींग ऐड करूँगी। एक मिर्ची है उसको भी इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा मिर्ची से थोड़ा चटपटा स्वाद आएगा, ज़्यादा तीखा नहीं है, वरना फिर बच्चे जो हैं वो खा नहीं पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गोल्डन हो गया है लहसुन। अब मैं इसमें जो है चना दाल डाल दूँगी, इसमें फिर नमक और हल्दी डाल के इसे हम 4-5 सीटी लगने तक पका लेंगे। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर ये फुल सॉफ्ट हो गया है तो ठीक है, वरना फिर आप इसे और 1-2 सीटी लगवा करके पकने दीजिए। मैंने कुकर में चना दाल डाल दिया है, और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हल्दी, नमक। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल करके मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी दाल जो है अच्छे से उबल गई है, तो इसे मैं ये मैशर है इसे थोड़ा मैश कर दे रही हूँ, सॉफ्ट कर दे रही हूँ, ताकि क्योंकि हमें इसकी पूड़ियाँ बनानी हैं तो सॉफ्ट रहेगा तो भी अच्छी बनेगी। तो थोड़ा सा इसे मैश कर देती हूँ, और उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी, अभी तो दाल गर्म है तो जब ठंडी हो जाएगी तो अब हम इसे स्टफिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है, अब ये ठंडी हो गई है। तो हमें जो है ये गोले बना लिए हैं पहले, और मैं इनको बेल करके इसके अंदर जो है वो स्टफिंग को फिल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी को बेलने के बाद स्टफिंग उसमें फिल कर दिया है। अब ये ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर दूँगी। ये दोनों तरफ से आप इसे पलट दीजिए ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, और जब ये हो जाएगा तो ये फूलने लगेंगे, और फूलने के बाद दोनों तरफ आप इसे बराबर सेकते रहें, जैसे आप कचौड़ी सेकते हैं वैसे इसे भी सेकना है। सेकते रहेंगे, ये अपना कलर जैसे ही आएगा
थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ ये सीख गए हैं अच्छे से, पूड़ियाँ तैयार हो जाएंगी हमारी। बस इसे लगातार दोनों तरफ से सेकते रहे ताकि कहीं कच्चा ना रह जाए, दोनों तरफ से हमें इसको सेकने की ज़रूरत है। खाने में बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होता है फ्रेंड्स, अगर कोई बनाता भी होगा, किसे पता होगा, तुम्हें पता है कि इसका क्या स्वाद है। हमारे यहाँ तो हर फेस्टिवल में ये दाल की पूड़ी बहुत ही ज़रूरी है बनाना, और इसके साथ खीर, दाल की पूड़ी और खीर भी हमारा फेवरेट डिश होता है। हमारे यहाँ शादियों में भी ये ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद बताइएगा कि अगर आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैं अब इसे बाहर निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी दाल पूड़ी और खीर रेडी हो गया है, तो आप इंजॉय कीजिए इसे, आप बनाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए इस लॉकडाउन में। और फ्रेंड्स स्टे होम, स्टे सेफ।